नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश में बीएड के बाहर होने के बाद से शिक्षक भर्ती में जो झटका लगा है बीएड अभ्यर्थियों को, अब बीएड के सभी अभ्यर्थी एकजुट होने लगे हैं। तो शिक्षा नगरी प्रयागराज में आपको बता दें कि यहां पर टीम गठित कर लिया गया है। बीएड संयुक्त मोर्चा प्रयागराज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का विरोध प्रदर्शन, बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए विरोध स्थान धरना स्थल पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन दिनांक 13/8/2023 समय 11 बजे से जो रखा गया था वहाँ पर सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा और बीएड को शामिल कराने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसको डबल बेंच में चुनौती दें, अगर तब भी नहीं जीत पाते तो अध्यादेश के जरिए बीएड को शामिल करने की मांग किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीएड को शामिल करने के बाद से, जब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से हज़ारों बीएड अभ्यर्थियों को जो झटका लगा है, क्योंकि बीएड के कई 70% अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी में अपना काफ़ी पैसा समय भी निवेश कर चुके थे, जिसके बाद से इन लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। वहीं विधानसभा में उठा है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक का मुद्दा। तो 2,249 अभ्यर्थियों की सूची पर बेसिक शिक्षा परिषद में नहीं निर्धारित हुई है मेरिट। बेसिक शिक्षा भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में परिभाषा के एक अंक का प्रश्न, एक अंक से मेरिट बाहर हुए याची अभ्यर्थी को देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सरकार की याचिका खारिज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी पीएनपी सचिव अनिल कुमार भूषण चतुर्वेदी ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन लेकर के 2,249 अभ्यर्थियों की फाइनल सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेज चुके हैं, लेकिन वहां से चयन मेरिट के आधार पर सूची तैयार नहीं हो सकी। इस मामले में कहीं कोई रोक के ना ही होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को नया नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि मामला गौरीगंज के विधायक राकेश प्रसाद सिंह ने विधानसभा में उठाया है। तो गौरीगंज के विधायक ने उठाया, धरना दे रहे अभ्यर्थी इस भर्ती में अभ्यर्थी नियुक्ति मिलने की मांग को लेकर कई दिनों से लखनऊ में धरना दे रहे हैं। प्रकरण को गौरीगंज विधायक करने ने रखा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चयन मेरिट में आ रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, जिससे वह परेशान है। इस भर्ती के अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ल ने बताया कि उनके पक्ष में 25 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट से निर्णय हो चुकी है। जो याची अभ्यर्थी एक अंक से चयन मेरिट से बाहर, उन्हें एक अंक देकर के चयन मेरिट में शामिल करते हुए चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने पर पीएमपी सचिव ने प्रत्यावेदन लेकर के परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों को सूची तैयार कर भेज दी है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद से चयन सूची जारी नहीं हो सकी है। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं लेकिन निर्णय नहीं हो रहा, जिसके कारण अभ्यर्थियों को धरना देना पड़ रहा है। टीजीटी पीजीटी में छात्रों ने मांग की है कि ज्यादा पद, क्योंकि 4,000 पद के लिए कुल 14 लाख फॉर्म बढ़े हैं, जिसे न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। तो अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद बीएड प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग में अधिक पदों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी को मिलाकर कुल 4,163 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया और 14 लाख फॉर्म भरने जाने से कंपटीशन बहुत ही टफ है। इधर एक वर्ष में पद और भी रिक्त हुए हैं, ऐसे में अधियाचन मांगकर अधिक पदों को विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि बीएड से बाहर होने के बाद अभ्यर्थियों को काफी निराशा हाथ लगी है। सीनियर लिस्ट फिर से बनेगी सीनियरिटी वाली, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में। वहीं 31 से पहले आ जाएगा चौथा पैनल। नर्सिंग छात्र पढ़ाएंगे भी, 15,000 मानदेय भी मिलेगा, फैकल्टी माने जाएंगे एमएससी नर्सिंग के विद्यार्थी, यूपी पहला राज्य बनेगा। वहीं नीट और यूजी में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 से शुरू हो गई है, जबकि चकबंदी के 3,050 कर्मी राजस्व विभाग में आएंगे। भारत 4 बार चैंपियन बनने वाला पहला देश, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी एक समय 1-3 से पिछड़ रही टीम ने की दमदार वापसी। और एमपी की शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर, अपराधी की संपत्ति से पीड़िता को मिलेगी न्याय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अफसर लगातार निगरानी रखे, शहर में न हो जलभराव।